अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई बहुत ही सुहाना मौसम है, पीछे देख सकते हैं बादल आए हुए हैं और बारिश कभी भी हो सकती है। और तुम्हारा भाई निकल पड़ा है अपने जीपी की तरफ। तो सीन कुछ ऐसा है कि जब मैं यहाँ यूके में आया था तो मैंने अपना जीपी रजिस्टर नहीं किया था, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा था तो लोग कह रहे थे कि भाई जीपी रजिस्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता वगैरह वगैरह। तो उनकी वीडियोस देख के मैंने जीपी रजिस्टर नहीं किया था। तो हुआ कुछ ये कि यहाँ कराची में तो मौसम गर्म रहता है, ठंड तो कभी कभी आती है, लेकिन यहाँ पर मौसम रहता ही ठंडा है। तो हुआ कुछ ये कि मैं हो गया बीमार, तो जीपी का मैं रजिस्टर नहीं था, तो इसलिए मुझे बहुत परेशानी हुई। तो फिर भाई तुम्हारा भाई जैसे ही ठीक हुआ मैं पहुँचा जीपी के पास। उनसे मैं पाकिस्तान में तो ये होता है कि आप बीमार हुए सीधे किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वह आपको एक दो बोतल लगाएगा डेक्सट्रोज की, उसमें डेकाड्रोन जितने जहाँ के टीके एंटीबायोटिक सब डाल के और आपको एक थैला भर के मेडिसिन का दे देगा और आप अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वो तो पूरा काम करते हैं आपको ख़त्म करने का मारने का, क्योंकि इतने एंटीबायोटिक्स खा के इंसान तो ज़िंदा रह नहीं सकता। तो ये तो अल्लाह का करम है कि इंसान हम अभी तक बचे हुए पाकिस्तान में। तो खैर तुम्हारा भाई जैसे ठीक हुआ जीपी के क्लिनिक पहुंचा, उसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उसको मैंने कहा कि मैं रजिस्टर होना है। तो उसने मुझे 8-10 सफ़ों का ना एक पेपर वर्क दिया कि अभी आप ये फिल करके ले आएँ फिर हम आपको रजिस्टर कर लेंगे। तो मैंने घर जाके पेपर्स वर्क देखे तो उसमें भाई मेरा वेट, मेरी हाइट, अब पूरी ख़ानदान की हिस्ट्री, कौन सी ख़ानदान बीमारी है कौन सी नहीं है, सब थी डिटेल्स मैंने फिल की। और उसी दिन तो नहीं, एक हफ्ते बाद जाके मैंने सबमिट कर दिया। रमज़ान के मैंने शुरू में रमज़ान अभी आया भी नहीं था तो मैंने सबमिट किया था। तो फिर रमज़ान आ गया, मैं रमज़ान में बिज़ी हो गया तो मैं भूल गया कि भाई मैंने जीपी भी रजिस्टर किया था। 29वें रमज़ान को मुझे याद आया यार कि कोई उनकी ईमेल नहीं आई, कोई उनका मैसेज नहीं आया। तो भाई तुम्हारा भाई पहुंचा सीधा जीपी क्लिनिक। उसको जब मैंने कहा कि यार मैंने ऑलमोस्ट महीना हो गया मैंने आपको डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे लेकिन अभी तक मैं रजिस्टर नहीं हुआ, तो उसने कहा कि भाई अच्छा। उसने फिर डॉक्यूमेंट जब देखे तो मैं रजिस्टर नहीं था। उसने एक बास्केट चेक की तो उस पर मेरा जो था ना वो जो उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए थे फिल करने के लिए वो ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या सीन है, मैं रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, तो उस मैडम ने कहा कि एक चीज़ आपकी रह गई थी इसमें, आपने ये नहीं लिखा कि आप यूके में इंटर कब हुए थे। तो मैंने उस लेडी को कहा कि जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तब मैंने आपको कहा था कि आप डॉक्यूमेंट रीड कर लें, अगर कोई चीज़ रहती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो खैर ये गोरे इतने सुस्त हैं, हम पाकिस्तानी अपने लोगों को कोसते हैं कि भाई वो काम सही तरीके से नहीं करते, काम बहुत डिले करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो उनको मैं डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसमें मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब था, इन लोगों से इतना नहीं हुआ कि मुझे ईमेल करके या मुझसे पूछ लें कि भाई आप यूके में कब इंटर हुए थे, या फिर मुझे यहाँ बुला लें कि भाई आपकी डिटेल मिस है आपको वो डिटेल देनी पड़ेगी, तो मैं आके डिटेल दे देता। तो ऑलमोस्ट एक मंथ मेरा उन्होंने ज़ाय किया। उसके बाद मैंने रमज़ान के 29वें रमज़ान को मैंने डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट किए हैं, वो चीज़ देख अपना लिख के कब इंटर हुआ हूँ। तो 9 तारीख को मुझे ईमेल आई थी वेरिफिकेशन की, मैंने कर दी है। आज ऑलमोस्ट 23 हो गई है अप्रैल और अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, तो इसलिए मैं आया हूँ अपने जीपी के पास देखने कि इन्होंने मुझे रजिस्टर किया भी है कि नहीं। ये रहा वो लिंक्स रोड सर्जरी, तो ऐसा कुछ दिखता है बाहर से, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो मैं चलता हूँ अंदर, देखता हूँ अंदर क्या सिचुएशन है, फिर आपको बताऊँगा कि क्या हुआ है। भाई भाई को मुबारकबाद दो, तुम्हारा भाई जीपी में डॉक्टर के पास रजिस्टर हो गया, इतनी खुशी इतनी खुशी। क्योंकि असल में यार हमारा जो है ना मैंटेलिटी ऐसी सेट हुई हुई है कि गोरे बड़े काम करते हैं और पाकिस्तानी कौम चोर है, लेकिन काम चोर कौम यही ये भी कम नहीं, ये भी बहुत काम चोर है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि भाई इन्होंने मुझे रजिस्टर कर लिया है डॉक्टर ने। तो अल्लाह करे बीमार ना ही हूँ, लेकिन भाई बुराई का पता नहीं चलता, कभी भी आ सकती है। तो इत्तेहा के तौर पे मैं रजिस्टर हो गया हूँ, बाकी
कैसा लगा आपको व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।